हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक्स। तो आज हम स्टूडियो में बात करने वाले हैं अडानी ग्रीन एनर्जी के कंपनी के मार्केट में अभी जो क्वार्टरली वन रिजल्ट आ चुके हैं, तो उसके बाद आपको इस शेयर के अंदर अभी किस तरह का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, एज वेल एज लॉन्ग टर्म विजन आपका क्या होना चाहिए, इस कंपनी में निवेश करना या नहीं, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हम इसी वीडियो में। सो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जो कंपनी की टोटल इनकम है उसके अंदर आपको 0.2% का यहाँ पर आपको फॉल जरूर देखने को मिला और वो हो चुका है 1079 करोड़ रुपीस। बट सबसे अच्छी बात क्या है, कंपनी की जो नेट प्रॉफिट से क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पर 110% बढ़कर हो चुके हैं 219 करोड़ रुपीस। तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बात है, बट फिर भी अभी तक शेयर के अंदर मोमेंटम अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। जो कंपनी की इनकम है ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से वो 24% यहाँ पर बढ़कर हो चुकी है 1079 करोड़ रुपीस। ऐसे में जो कंपनी का पिछले साल जो था प्रॉफिट वो था 22 करोड़ रुपीस, जो कि इस बार बढ़कर हो चुका है 219 करोड़ रुपीस। सो ओवरऑल बेसिस पर कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे और काफ़ी पॉजिटिव आए, बट फिर भी अभी तक हमें इस शेयर के अंदर मोमेंटम जो है अपसाइड डायरेक्शन का यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलेशन है वो है 1,41,238.31 करोड़ का मार्केट कैपिटलेशन है और फेस वैल्यू इस शेयर की 10 रुपीज़। बीटा है इसका 0.57, जो कि आपको बताया कि अगर इंडेक्सेस के अंदर अगर आपको 1% का मोमेंटम देखने को मिलता है तो इस शेयर के अंदर भी आपको ऑन एन एवरेज बेसिस पर 0.57% का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सबसे नेगेटिव बात क्या होगी, डेट इज इंडस्ट्री का जो प्राइस टू अर्निंग चल रहा है 17.71, उसके मुकाबले यह शेयर का जो प्राइस टू अर्निंग है वो है 385.92 के प्राइस टू अर्निंग पे करेंटली यह शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड यह शेयर हो चुका है। ऑल दो मानता हूँ कि कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे और काफ़ी पॉजिटिव आए, बट फिर भी जो नज़रिया होना चाहिए, जो बाइंग आपको देखने को मिलनी चाहिए अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर, वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रही है। प्राइस टू बुक के माध्यम से भी अगर हम इस शेयर को देते हैं, दैट इज 82.1 के प्राइस टू बुक पे यह शेयर आपको मिल रहा है। दैट इज प्राइस और बुक वैल्यू कितनी है शेयर की, सिर्फ 11 रुपीज़। सो आप देख सकते हो कि उसके कारण एक अच्छा सा पॉजिटिव मोमेंटम होने के बाद भी, कंपनी के रिजल्ट एक अच्छे आने के बाद भी मुझे ज़्यादा इसमें मोमेंटम अपसाइड के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। इस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, 2018-19-20-20 तक कंपनी लॉस मेकिंग थी, बट 2021 में जो कंपनी टॉप लाइन जो है उसमें भी आपको बहुत अच्छा सा आपको ग्रोथ देखने को मिला है। उसके साथ में जो कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी उसमें भी आपको अच्छा सा यहाँ पर आपको डिस बॉटम लाइन के अंदर भी बहुत ही अच्छा सा आपको ग्रोथ देखने को मिला है। ऑल दो अगर मैं करंटली अगर बात करूँ तो 905 रुपीज़ के आसपास करंटली शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहा है और 5 ईयर हाई प्राइस है शेयर का 1390। सो अगर इस कंपनी में अगर आपको फ्रेश एंट्री फ्रेश बाइंग करनी भी हो तो हम रिकमेंड नहीं करेंगे कि आपको इस कंपनी के अंदर बाइंग करनी है, जस्ट बिकॉज एक बहुत ही अच्छे से बहुत ही प्रीमियम वैल्यूएशन पे करंटली इंडस्ट्री का जो प्राइस टू अर्निंग उससे काफ़ी महंगा ये शेयर मार्केट में करंटली ट्रेड हो रहा है। सो उसके लिए हम यहाँ पर आपको बाइंग के लिए ज़रूर नहीं बताएंगे, बट फिर भी अगर आपको बाय करना भी हो तो मेरे ख्याल से 770 या 780 के प्राइस रेंज के अंदर अगर ये शेयर आता है तभी आपको बाइंग करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल्स। सो होप करता हूँ कि आपको अडानी ग्रीन एनर्जी के जो मार्केट में जो क्वार्टरली वन रिजल्ट आए हैं वो आपको अच्छे से पता चल गए होंगे और उसके ऊपर आपको एज अ इन्वेस्टर आपको क्या करना है, निवेश करना है या नहीं करना है, वो भी आपको पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।